नमस्कार दोस्तों, ब्रांड इन्फोटेक में आप सभी का स्वागत है। आज आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ, जो कि मैं आपको बताया था कि अभी विंडोज़ 10 को मैं SSD में डालने वाला हूँ। तो वीडियो को आप काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप वीडियो को पूरा देखिए। इसमें हम विंडोज़ 10 को अपडेट कर रहे हैं SSD में। अपना नया जो SSD है, मैंने आपको दिखाया था 480GB का, ये जो हमने लगाया है इसको, तो वीडियो को पूरा देखें। इंस्टॉल करने जा रहे हैं, जो कि इसका प्रोसीडियर स्टार्ट हो गया है। वहाँ पे हम इसका DVD राइडर लगाया हुए हैं इसके साथ, क्योंकि इसका DVD राइडर तो हम निकाल चुके हैं, ये वाला दिख रहा है। तो अभी ये कुछ टाइम ले रहा है। इसको हम आई एक्सेप्ट एंड एग्रीड में करना पड़ेगा। आपको 1x246, 1x201, नेक्स्ट करना है आपको। विंडो कॉपी हो रहा है, अभी देख रहे हैं हम। जब तक कंप्लीट होता है आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब होने के बाद हम रिटर्न आते हैं। इंस्टॉल करने वाले हैं सारे, एंड उसके बाद आपको हम लास्ट में एक बार बूट करके चेक कराएंगे कि SSD का स्पीड क्या है, और RAM जो अपलोड हुआ है उसका भी हम एक एप्लीकेशन ऑन करके आपको दिखाएंगे कि 4GB में क्या था एंड 12GB में भी क्या है। 8GB का एप्लीकेशन किया है ना पहले, वीडियो में दिखाया था। लिंक इस आई बटन पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आई बटन। हमारा प्रोसेसर कितना स्पीड हुआ है, देखिए इसका स्पीड देखिए गाइस। कितना स्पीड ओपन हो रहा है, और जब मैं आपको आगे वीडियो में दिखाया था कि ये जो सिस्टम है कितना स्लो हो रहा है, अब चलिए हम एक बार यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि लैपटॉप का स्पीड कैसा है। ओके, चलिए देखते हैं। यहाँ पे इसका प्रॉपर्टीज खोलते हैं सबसे पहले। ओके गाइस, यहाँ पे जाकर प्रॉपर्टीज खोलते, देखते हैं कितना जल्दी में खुलता है। आप देख रहे हैं SSD का कमाल देख रहे हैं गाइस, तो यही है SSD का कमाल। और यहाँ पे जो ये मैं कैस्पर्स का एक टोटल दिया हूँ, वो मैं यहाँ पे आई बटन पे लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे और तो कुछ मेरा भी इंस्टॉल है नहीं, बाकी सब कुछ मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ड्राइवर्स कंप्लीट होने के बाद यहाँ से आप नेट इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे क्रोम भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और अब मैं चेक कराया था आपको इसका प्रॉपर्टीज़ में जाके,
कि देखिए मेरा रैम अपग्रेड हो चुका है, यहाँ पे देखिए डेस्कटॉप एंड यहाँ पे इंटेल कोर i3 ओके, यहाँ 12 GB का रैम ये देखिए। एक्चुअली मेरा आगे 4 GB था, उसके बाद अभी मैं 8 GB लगाया तो टोटल 12 GB का रैम ओके। अब कुछ भी मैं अगर ओपन करता हूँ तो देखिए कितना फास्ट ओपन हो गया, ये देखिए जस्ट क्लिक, मेरा क्लिक ख़त्म होता ही ओपन हो जाएगा। देखिए कंट्रोल पैनल को ओपन कर ले, जस्ट डबल क्लिक, कितना जल्दी ओपन हो रहा, देखिए तभी कैसा ओपन हो रहा था। तो यही है फ़र्क हार्ड डिस्क में एंड SSD में। अगर आप SSD को OS में रखेंगे, मतलब अगर OS को SSD में रखेंगे तो आपका लैपटॉप इतना फास्ट हो जाएगा, इतना स्मूथ हो जाएगा कि आपको कोई भी काम करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। तो ये तो मैं आपको पूरा इसमें सब कुछ दिखा दिया हूँ, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।